अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 1 से 10 मैंने जो है वो पिछले लेक्चर में आप लोगों के लिए सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, तो ये देखिए मैं अभी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस सवालों को सॉल्व करने पर रख रहा हूँ। जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स की बात है, कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेपरेट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस हुए हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन 1 टू 10 आपने देखे होंगे, क्वेश्चन 1 टू 10 देखकर ही क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स आप लोग आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर TTT फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019 इज 35,000। एक कंपनी का सालाना रेंट का एक्सपेंस 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 का 35,000 रुपये है, विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। ये पिछले साल से 25% ज्यादा है। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। देखें, 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019, ठीक है। 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक का जो कंपनी का क्या कहते हैं एक्सपेंस है वो 35,000 है। और ये पिछले साल से पिछला साल क्या होगा, पिछला साल होगा 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018, ठीक है जी। देखें, ये अमाउंट जो है ना वो पिछले साल से 25% ज्यादा है। पिछले साल से 25% ज्यादा है। अगर आपको कोई भी सवाल ये कहे कि कोई अमाउंट एक्स वाई जेड जो है वो पिछले साल से 25% ज्यादा है और पिछले साल के अमाउंट दूनी होना, तो इस साल की जो अमाउंट है ना वो 25% ज्यादा होगी। अब आपने रिवर्स करना, जरा गौर से सुनिएगा। पिछले साल अगर एक्सपेंस 100 था तो इस साल कितना होगा, 125। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर 35,000 25% ज्यादा है तो इसका मतलब पिछले साल अगर 100 होगा तो इस साल कितना होगा, 125। पिछले साल अगर कोई चीज 100 होगी, पिछले साल अगर कोई चीज 100 होगी और मैं बोलता हूँ इस साल वो चीज 25% बढ़ गई है तो इस साल 125 इससे होगी। तो अब अगर आपने 125 से 100 से 125 पर जाना है, नहीं, हमें 125 से 100 पर आना है। ये 35,000 जो है वो 125% है या 125 हिस्से हैं। तो अगर 100 हिस्सों पे वापस आना है ना, तो आप 35,000 के 125 हिस्से करना, 35,000 के 125 हिस्से करना, 35,000 को 125 में बंटवारा करना, और 100 हिस्सों पे जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना। तो पिछले साल जो है ना वो 28,000 रुपये का अमाउंट होगा साल का रेंट का एक्सपेंस। दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये है कि देखें, आप जो इक्वेशन बनाने, लास्ट ईयर एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई 1.25 इज इक्वल्स टू करंट ईयर एक्सपेंस। सर, ये 1.25 नहीं समझ आया। अगर आपने किसी चीज़ को 25% से बढ़ाना होता है तो आप उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करते हो। कैसे सर? देखें, मिसाल के तौर पर 200 है, 200 को 25% बढ़ाओ। 200 को 25% बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि 200 प्लस 200 का 25%, 200 प्लस 200 का 25%, 200 प्लस 200 का 25%, 250 आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप 200 को मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, तो भी सेम आंसर आएगा 250, ठीक है। ये तरीका भी याद रखिएगा। सर, 1.25 अभी भी नहीं समझ आया, देखें याद रखें। अब आपने किसी चीज़ को किसी परसेंटेज से बढ़ाना है ना, तो 1 प्लस जो भी परसेंटेज है ना उससे आप जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस परसेंटेज का मतलब क्या, किसी चीज़ को 25% से बढ़ाना है तो 1 प्लस 25%। अच्छा, परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है अपॉन 100, या अगर आप अपने कैलकुलेटर पे भी 1 प्लस 25% करोगे ना तो वो आंसर 1.25 देगा। तो आपको अगर 200 को 25% से बढ़ाना है तो 200 को 1.25 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा सर, अगर 10% से बढ़ाना होता तो 1.1 से मल्टीप्लाई करते। अगर लेट से 200 को 10% से बढ़ाना है ना तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 220 आ रहा है। अलग से भी करते तो ऐसे ही होता है ना, 200 प्लस 200 का 10%, तो भी 220 आता है। अच्छा सर, 5% से बढ़ाना हो किसी चीज़ को, अगर लेट से आपके पास 200 है और 200 को आपने 5% से बढ़ाना है तो 200 प्लस 200 का
प्लस 200 का 5%, 200 प्लस 200 का 5%, 200 प्लस 200 का 5%, तो भी 210 आता। मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे सर, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं वापस से थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पर। अगर किसी चीज़ को 25% से बढ़ाना है, 10% से बढ़ाना है, 5% से बढ़ाना है, 8% से बढ़ाना है, 18% से बढ़ाना है, तो आप क्या करो, उस चीज़ को 25% से बढ़ाना है 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% से बढ़ाना है 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5% से बढ़ाना है 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, 8% से बढ़ाना है 1.08 से मल्टीप्लाई कर दो, 18% से बढ़ाना है 1.18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका अप्लाई होता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू करंट ईयर का एक्सपेंस। लास्ट ईयर का एक्सपेंस आपको नहीं पता, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू करंट ईयर का एक्सपेंस यानी कि 35,000। तो एक्स इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय 1.25, और अगर आप 35,000 को 1.25 से डिवाइड करोगे तो भी 28,000 आएगा। और अगर इसको चेक भी करना है ना कि ये सही आया आंसर या नहीं, तो देखो ना, 28,000 प्लस 28,000 का 25%, 25% से ये चीज बढ़ी है ना, देखो 35 आता है, वरना 35 नहीं आता ना। ठीक है, तो सीधा सीधा ये याद रखो कि यार अगर 35,000 जो है वो 25% ज्यादा कर कर है यानी कि 125 से है, और उसमें से उसका इजाफी 25% हटाना है और उसको 100 पर वापस लाना है, तो 35,000 125 से है, 125 से डिवाइड करो, एक हिस्से की वैल्यू आएगी और 100 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा, तो ये लिखा हुआ था द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर टीटीडी फॉर द पीरियड फर्स्ट जुलाई 2018 टू 32 2019 इज 35,000 व्हिच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। रेंट एक्सपेंस इज पेड ऑन फर्स्ट जुलाई, रेंट का एक्सपेंस जो है वो हर साल पहली जुलाई वाले दिन ही पे होता है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेंट एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ये बात याद रहे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर बनाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि उस एक्सपेंस की पेमेंट कब हुई है, बल्कि हम देखते हैं कि उस दिन का, उस वक्त का, उस महीने का जो हमसे रेंट का एक्सपेंस चार्ज किया जा रहा था या जो रेंट मांगा जा रहा था वो कितना मांगा जा रहा था। अब अगर सवाल ये पूछता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर 2018 का रेंट का एक्सपेंस कितना आएगा, तो भाई करना ये पड़ेगा कि देखिए, पहली जनवरी को साल शुरू हुआ होगा, पहली जनवरी 2018 वाले दिन से लेकर, पहली जनवरी 2018 वाले दिन से लेकर 30 जून 2018 वाले दिन तक का रेंट एक्सपेंस अलग कैलकुलेट होगा। कैसे? क्योंकि पहली जुलाई से रेंट का एक्सपेंस तब्दील हो गया था। उससे पहले देखें, ये जो नीचे मैंने डेट लिखी है ना 6 महीने की, वो इसमें फॉल कर रही है। पहली जनवरी 2018 से 30 जून 2018 जो है इस टाइम फ्रेम में फॉल करता है। तो ये वाले टाइम का एक्सपेंस कितना होगा, 28,000 तो 12 महीने का है, 12 से डिवाइड किया 1 महीने का आया, 6 महीने का कितना बना, एक्सपेंस परसेंटेज में दिया है ना, मैं यही घबरा गया। ठीक है, आपके पास जो है वो 28,000 जो है वो पूरे 12 महीने का है, तो आपने 12 से डिवाइड किया 1 महीने की वैल्यू आई, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 महीने का जो एक्सपेंस बनना चाहिए वो आ गया। इसके बाद पहली जुलाई 2018 टू 31 दिसंबर 2018 का जो एक्सपेंस होगा वो डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा, ये जो 35,000 रुपये है ना, देखें, पहली जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक का टाइम फ्रेम जो है वो 35,000 वाली रेंज में फॉल कर रहा है, इसको 12 से डिवाइड कर कर और 6 से मल्टीप्लाई कर। तो मेरा रेंट का जो टोटल एक्सपेंस बनेगा ना, जो मेरा रेंट का टोटल एक्सपेंस बनेगा वो बन जाएगा 31,500 इस साल का। तो मेरा आंसर होगा बी। 12 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा जुमला सही नहीं है। इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ करंट लाइबिलिटी, हमने पिछले एमसीक्यूज में डिस्कस किया है, ये अनअर्न इनकम है, किसी ने पैसे दे दिए हैं, इनकम रिसीव हो गई है एडवांस में, लेकिन मैंने उसको सर्विस नहीं दी, तो बिल्कुल वो मेरी लाइबिलिटी है, बिकॉज आई एम लाइबल टू सर्व हिम। बी में लिखा हुआ है एक्रूड इनकम इज अ करंट एसेट, एक्रूड इनकम इज अ करंट एसेट। बिल्कुल, एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि मैंने जो है ना वो सर्विस दे दी है, यानी कि मैंने जो एक एक सर्विस देनी थी वो दे दी है, और अब मुझे पैसे सामने वाली पार्टी देगी, तो ये मेरा करंट एसेट है क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा। ये ऐसी चीज भी पहले डिस्कस हुई है। प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने पहले से पेमेंट कर दिया है, इज अ करंट लायबिलिटी। ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं किसी एक्सपेंस को प्री पे कर रहा हूँ, पहले पे कर रहा हूँ, बाद में उसकी सर्विस लूंगा, उससे फायदा लूंगा,
तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यार मैंने पहले पेमेंट करी है, फायदा मुझे बाद में मिल रहा है। तो इस केस में मेरे पास प्री पेड इंश्योरेंस जो है ना, वो मेरा करंट एसेट होगा, बिकॉज मैंने एक पेमेंट कर दी और मुझे बेनिफिट बाद में मिलेगा। जो क्वेश्चन 1 to 10 है वो भी आप देखिएगा, उसमें ये चीज डिस्कस हुई है। तो सी मेरा सही आंसर होगा। ये जुमला गलत है, उससे बोला था इसमें तो गलत जुमला क्या है। सैलरीज पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल, अगर आपने किसी को सैलरी पे करनी है वो आपकी लाइबिलिटी है, यू आर लाइबल टू पे दैट पार्टी। 13 पर आते हैं, आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स अरसलान आइडेंटिफाइड दैट ही हैज ट्रीटेड प्री पेड इंश्योरेंस ऑफ 1000 एज अक्रूड एक्सपेंस। माशाल्लाह, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ करेक्शन, करेक्शन से क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए मेरी बात सुनो, लेट से मैं ये कहता हूँ कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था ना, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था मिसाल है वो 5000 था, ठीक है। अच्छा, जो आपके एक्सपेंसेस थे ना, आपके एक्सपेंसेस थे, अच्छा ये याद रहे कि आप लोगों ने एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स और क्वेश्चन 1 से 10 को जरूर देखना है, फिर यहाँ भरना है, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं। आप एज्यूम करें कि आपके एक्रूड एक्सपेंसेस, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे थे लेट से 5000, ठीक है। अच्छा यहाँ हुआ क्या है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट अकाउंट्स अरसलान ने यह आइडेंटिफाई किया दैट ही हैज ट्रीटेड प्री पेड इंश्योरेंस ऑफ 1000 रुपीज एज अक्रूड एक्सपेंस। अच्छा देखिए, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है, तो ड्यूरिंग द ईयर का जो एक्सपेंस होता है ना, उसमें मतलब ये होता है कि अगले साल की भी कुछ पेमेंट अभी से हो गई है। तो अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो हम उसको ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसेस में से हटाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5000 के एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो भाई इसमें से 1000 रुपये तो अगले साल के अभी से पे किए हुए, प्री पेमेंट है, तो उसको हटाओ, वो इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है। तो अगर लेट से एक मिसाल लेते हैं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, चले मैं 15000 कर देता हूँ अगर है, और मेरे पास जो है ना वो 5000 के एक्सपेंसेस से 1000 प्रीपेड था, तो 4000 रुपये के एक्सपेंसेस बने, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या आना चाहिए। मेरा नेट प्रॉफिट जो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए 11000, ये नेट प्रॉफिट आना चाहिए, नेट प्रॉफिट। अब हुआ क्या ये सुने, हुआ ये कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो था, हुआ ये कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो तो चले 15000 ही था, आपके पास जो आपके एक्सपेंसेस थे ना, एक्सपेंसेस 5000 थे, 1000 प्रीपेड था, इफेक्टिवली माइनस होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने गलती से उसको 1000 ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कैसे ट्रीट कर लिया, एज एन एक्रूड एक्सपेंस। जब मैं कोई चीज़ एज एन एक्रूड एक्सपेंस ट्रीट करूंगा तो उसका मतलब तो ये है कि मैं ये सोच लूंगा कि भाई ये 1000 रुपये जो है वो इस साल का खर्चा है और अभी तक पे नहीं हुआ, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं अपने एक्सपेंसेस को 6000 रुपये ले जाऊंगा, ठीक है। 5000 में से 1000 माइनस होकर 4000 बचने थे, 5000 में आपने गलती से 1000 ऐड करके 6000 कर दिया, तो आपका नेट प्रॉफिट कहाँ पहुंच गया, आपका नेट प्रॉफिट तो 9000 पर पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी गलत ट्रीटमेंट से ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। आपकी गलत ट्रीटमेंट से आपका प्रॉफिट गलती से 2000 कम दिखा जा रहा है। अब सवाल बोलते हैं, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ करेक्शन, अगर ये गलती सही कर ली जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। भाई 9000 के गलत प्रॉफिट से मैं 11000 के सही प्रॉफिट पर आ जाऊंगा, यानी कि प्रॉफिट्स विल बी इंक्रीज बाय ₹2000, 2000 से प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। 14, अ बिजनेस पेज रेंट क्वार्टरली इन एरियाज ऑन 1st of January, 1st of April, 1st of July एंड 1st of October ईच है। एक बिजनेस जो है वो क्वार्टरली यानी कि 3-3 महीने पे रेंट पे करता है इन एरियाज। इन एरियाज का मतलब ये है कि पहले सर्विस ले लेता है फिर पैसे पे करता है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को पेमेंट करता है। द रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 150,000 पर ईयर टू ₹180,000 पर ईयर एज फ्रॉम 1st अक्टूबर 2007। 1 अक्टूबर 2007 से जो रेंट का एक्सपेंस है वो 1.5 लाख से 1,80,000 कर दिया गया है। वॉट रेंट एक्सपेंस एंड अक्रूअल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2008। 31 जनवरी 2008 अगर किसी कंपनी का जो है वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो तो उसको क्या एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, या उसके क्या बैलेंसेस होंगे, रेंट का एक्सपेंस कितना होगा और एक्रूअल्स की वैल्यू जो है ना वो कितनी होगी। अच्छा देखिए, अगर किसी कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 31 जनवरी 2008, तो इसका ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, इसका ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 फेब 2007 को, और एंड हुआ होगा कब, 31 जनवरी 2008 वाले। ऐसा ही है, 1 फेब 2007 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 जनवरी 2008 को एंड हुआ होगा या खत्म हुआ होगा। अब रेंट कब इंक्रीज हुआ, पहले रेंट कितना होता था, 1.5 लाख, अब रेंट कितना है, 1,80,000। इंक्रीज कब से हुआ, 1 अक्टूबर 2007 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 फेब 2007 से लेकर 30th सितंबर
2007, 30 सितंबर 2007, 1 फरवरी 2007 से लेकर 30 सितंबर 2007, ये जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं वापस से काउंट करता हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ अगस्त और सितंबर, 8 महीने, 8 महीने का जो रेंट का एक्सपेंस होना चाहिए वो 1.5 लाख के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, 1.5 लाख रुपये पर एनम है ना, पर एनम है साल का, तो डिवाइड किया 12 से 1 महीने का आया, और 8 महीने का कैलकुलेट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया। देखिए, 1 फरवरी 2007 से 30 सितंबर 2007 तक का जो रेंट का एक्सपेंस होना चाहिए वो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 होना चाहिए। रीजन बीइंग कि ये पीरियड तब फॉल करता है जब रेंट का एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हुआ था। तो 1 फरवरी 2007 से 31 सितंबर 2007 का रेंट हो गया 1 लाख रुपये। ठीक है जी। चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास जो है ना, वो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2007 से लेकर ईयर एंड का पूरा है 31 जनवरी 2008, कितने महीने में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने में। 4 महीने का रेंटल एक्सपेंस कितना होगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12 × 4। 1,80,000 डिवाइडेड 12, इसलिए क्योंकि 1,80,000 पूरे साल का है, 12 से डिवाइड किया 1 महीने का कितना है, 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 महीने है, तो ये 60 हुआ। इन दोनों को ऐड कर देते तो 160 हो गया। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैलकुलेशन अभी करी है जो कि 160,000 से रेंट एक्सपेंस को मैच कर रही है, यानी कि जो रेट्स हैं उसके हिसाब से जिस महीने का जितना रेंट बनता है वो मैंने अपनी बुक्स में चार्ज कर दिया। अच्छा सर, एक्रूअल्स की वर्किंग भी करके दिखा दें। देखिए, अब हमारे ईयर एंड हो रहे 31 जनवरी 2008 को, और ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अ बिजनेस पेज रेंट क्वार्टरली, एक बिजनेस जो है वो क्वार्टरली रेंट पे करता है इन एरियर्स। इन एरियर्स का मतलब पहले सर्विस को इस्तेमाल करता है फिर रेंट पे करता है ऑन 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। अब देखें, 1 जनवरी को इसने रेंट जो पे किया होगा ना, वो पिछले 3 महीने का किया होगा। क्यों सर, पिछले 3 महीने का क्यों? बेटा, सवाल में लिखा हुआ है कि रेंट पे होता है इन एरियर्स, यानी कि वो 3 महीने इस्तेमाल करता है जगह, फिर किराया देता है, जो पिछले 3 महीने थे ना उसका, फिर 3 महीने इस्तेमाल करता है, फिर किराया देता है। अब हमारा ईयर एंड है 31 जनवरी, इसका मतलब ये हो गया कि 1 जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी और मार्च, इसका किराया, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का जो किराया पे हुआ होगा ना, वो पे कब हुआ होगा? 1 अप्रैल वाले दिन। अब मैंने 1 जनवरी to 31 जनवरी ये जगह इस्तेमाल कर ली, लेकिन इसका किराया इस साल पे नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि किराया का पे हुआ होगा जनवरी, फरवरी और मार्च का पे हुआ होगा अप्रैल में, लेकिन मैं क्योंकि 31 जनवरी को अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो 31 जनवरी वाले दिन मेरे पास एक अक्रूड आ जाएगा, और वो कितना आएगा? 1,80,000 रुपये पूरे साल का किराया है, डिवाइडेड बाय 12 1 महीने का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ और सिर्फ 1 महीना जनवरी का ऐसा है जो 31 जनवरी के वाले दिन मेरे लिए एक्रूड होगा, यानी कि जनवरी की मैं सर्विस ले चुका हूँ और मैंने किराया पे नहीं किया, तो 31 जनवरी वाले दिन तक मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपये एक्रूड में आ रहे होंगे। 14 का आंसर सी होगा। 15 पर आते हैं। हीलेक्स कॉर्पोरेशन हैज सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस, सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस यानी कि कुछ जगह किराए पर दे दी है किसी को, एंड इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008 द रेंट वाज अंटिल 30 जून 2008 9,000 रुपये पर ईयर। अच्छा, मेरा ईयर एंड होता है 30 नवंबर 2008 वाले दिन। हीलेक्स कॉर्पोरेशन हैज सबलेट पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस एंड इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008 द रेंट वाज अंटिल 30 जून 2008 ₹9,000 पर ईयर। जो मेरा 30 जून 2008 तक का रेंट था वो 9,000 था, फ्रॉम 1 जुलाई 2008 ₹12,000 पर ईयर, और फिर 12,000 हो गया। रेंट वॉज रिसीव क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में मैं रेंट रिसीव करता हूँ। एडवांस में रेंट रिसीव करने का मतलब ये है कि पहले मैं रेंट रिसीव कर लेता हूँ और फिर किसी किस्म की कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। रेंट वॉज रिसीव क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर ईच ईयर, मैं एडवांस में रेंट रिसीव करता हूँ। व्हाट अमाउंट शुड अपियर इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2008, 30 नवंबर 2008 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें रेंट कितना आना चाहिए?
अच्छा, तो होगा कुछ इस तरह से कि देखिए 30 नवंबर 2008 वाला साल शुरू कब हुआ होगा? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2007 से शुरू हुआ होगा और ख़त्म हुआ होगा 30 नवंबर 2008 वाले दिन। 1 दिसंबर 2007 को साल शुरू हुआ होगा और 30 नवंबर 2008 को साल ख़त्म हुआ होगा। अच्छा जी, अब ये पर ईयर रेंट था, ठीक है ना? देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 1 दिसंबर 2007 से लेकर 30 जून 2008, इसका रेंट कैसे आएगा? 9,000 रुपये पूरे साल का, 9,000 रुपये पूरे साल का 12 से डिवाइड किया, 1 महीने का आ गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने बनते हैं ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने बनते हैं। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, 9,000 डिवाइडेड बाई 12 से 1 महीने का रेंट आया, मल्टीप्लाइड बाई 7 से 7 महीने का रेंट आया, जो मेरी इनकम में जाना चाहिए पिछले रेट के हिसाब से 5,250 रुपये 7 महीने के बनते हैं। इसके बाद 1 जुलाई 2008 टू 30 नवंबर 2008, ठीक है जी, ये आपके पास बन जाते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस 5 महीने ना। तो 12,000 रुपये अब हो गया सालाना रेंट, डिवाइडेड बाई 12 1 महीने का, मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 महीने का ये आना चाहिए 5,000। तो इसका मतलब मेरी जो रेंटल इनकम बनती है ना, जो मेरी रेंटल इनकम बनती है वो 10,250 रुपये बनती है। कैसे? पहले 7 महीने के पिछले रेट के हिसाब से और नए वाले 5 महीनों के नए वाले रेट के हिसाब से ये रेंटल इनकम बनती है। अच्छा, रेंट रिसीव होता है एडवांस में, यानी कि रेंट पहले रिसीव होता है और फिर मैं जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और क्वार्टरली रिसीव होता है। अब आप ये देखें 30 नवंबर से पहले कब रेंट रिसीव होगा? सवाल में लिखा हुआ है रेंट वॉज रिसीव क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी। जनवरी में जो रिसीव होगा ना रेंट, वो जनवरी, फरवरी, मार्च का होगा। फिर अप्रैल में रिसीव होगा, वो अप्रैल, मई, जून का होगा। फिर जुलाई में रिसीव होगा, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर का होगा। फिर अक्टूबर में रिसीव होगा, वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का होगा। इसका मतलब अक्टूबर में जो मैंने 3 महीने का, 1 अक्टूबर को जो मैंने 3 महीने का रेंट रिसीव किया होगा, उसमें से 2 महीने तो इस साल में आ गए, उसकी सर्विस मैंने प्रोवाइड कर दी, वो मेरा कोई भी प्रीपेड अक्रूड कुछ भी नहीं था। लेकिन सर अक्टूबर में मैंने जो रेंट रिसीव किया वो अक्टूबर का भी किया है, वो नवंबर का भी किया है और वो अगले साल के दिसंबर का भी किया है। तो अगर अगले साल के दिसंबर का रेंट मैं आज ही रिसीव कर लेता हूँ तो इसका मतलब रेंट मैं पहले रिसीव कर रहा हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट सर्विस बाद में देनी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 30 नवंबर वाले दिन मेरे पास जितना भी मैंने रेंट रिसीव किया होगा वो एक लाइबिलिटी होगी, ठीक है? अक्टूबर में मैंने आप रेंट कितना रिसीव किया होगा, देखिए पूरे साल का रेंट 12,000 रुपये, तो 1 महीने का 12 से डिवाइड कर कर आ सकता है। अक्टूबर में मैंने रिसीव किया होगा 3 महीने का, कैसे सर कैसे पता? सवाल में लिखा हुआ है कि क्वार्टरली रेंट रिसीव करते हो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी में जनवरी, फरवरी, मार्च का, अप्रैल में अप्रैल, में जून का, जुलाई में जुलाई, अगस्त, सितंबर का, अक्टूबर में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो मैंने जो रिसीव किया होगा ना अक्टूबर में रेंट, अक्टूबर में मैंने रिसीव किया होगा 3,000 रुपये, लेकिन इसमें से 2,000 रुपये तो इस इनकम में शामिल होंगे क्योंकि अक्टूबर नवंबर का महीना गुजर गया। बहरहाल 1 महीने के, यानी कि आप इसको फर्दर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें, तो दिसंबर का 1,000 का जो अमाउंट आता है ना, वो 1,000 रुपये का ऐसा अमाउंट होगा जो मैंने रिसीव तो कर लिया है लेकिन सर्विस ईयर एंड तक प्रोवाइड नहीं करी होगी, अगले साल प्रोवाइड करनी होगी, यानी कि मैंने रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया है और ये मेरी एक अनअर्न्ड इनकम है, मेरी एक लायबिलिटी है क्योंकि मैंने पैसे पहले रिसीव कर लिए हैं लेकिन सर्विस बाद में दी है। तो मेरा जो आंसर बनता है इफेक्टिवली वो सी बनता है, रेंटल इनकम ही 10,250 से मैच कर रही थी और 1,000 रुपये का अनअर्न्ड इनकम। 16 पर आते हैं, 16 में लिखा हुआ है सितारा इंडस्ट्रीज हैज टेकन अ लोन फ्रॉम क्रिसेंट बैंक, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेएबल एवरी क्वार्टर दैट इज ऑन 31st ऑफ मार्च, 30th जून, 30th सेप्टेम्बर एंड 31st ऑफ डिसम्बर। फेस अमाउंट ऑफ द लोन इज 500,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू इंस्टॉलमेंट विल नॉट पेड ऑन सेप्टेम्बर 30 एंड दिसंबर 31। वॉट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट लाइबिलिटी टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन प्रिपेयर एज ऑन 31st ऑफ डिसम्बर। एक कंपनी है, उसने एक बैंक से लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट पे होता है हर क्वार्टर में, 31 मार्च को पे होता है, यानी कि 31 मार्च को कब का पे होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च का,
30 जून को पे होता है, सितंबर 30 को 31 दिसंबर को पे होता है। लोन की अमाउंट है 5 लाख रुपए और उस पर इंटरेस्ट देना था 10% का। फाइनेंशियल मसलों की वजह से मैंने दो किस्तें पे नहीं करी हैं जो कि सितंबर की थी। अच्छा, सितंबर की जो किस्त होगी, 3 3 महीने देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च वो पे कर दिया, अप्रैल मई जून वो भी 30 जून को पे कर दिया, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर नहीं पे किया, ठीक है ना, सितंबर में पे करना था वो नहीं किया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर में पे करना था वो भी पे नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 6 महीनों का रेंट नहीं पे किया। या आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि देखें, आपके पास इंटरेस्ट टोटल लोन था 5 लाख का, 5 लाख का आप ले लें 10%, ये साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, इसको डिवाइड कर दें 12 से, 1 महीने का आ गया, ठीक है। और आपने पे कब कब का नहीं किया? सर मैंने सितंबर वाली किस्त पे नहीं करी है, जो होगी जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 महीने का पे ये नहीं किया, और मैंने दिसंबर वाली किस्त भी पे नहीं की है, जो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि ये 1 महीने का मल्टीप्लाई बाई 3 3 महीने का ये होगा, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, यानी कि आपने 25,000 रुपये टोटल पे नहीं करे, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि 50,000 रुपये पूरे साल का, तो आपने पहली दो किस्तें पे कर दी हैं मार्च और जून वाली, ये 4 क्वार्टर्स का है ना, ये 4 क्वार्टर्स का, 2 क्वार्टर पे कर दिए, कौन से 2 क्वार्टर पे नहीं किए? सितंबर और दिसंबर वाले, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे पूछा था कि 31 दिसंबर को लायबिलिटी कितनी होगी, अनपेड कितना होगा, पे कितना नहीं किया होगा। अगला, रेंट पेड ऑन 1 सितंबर 2017 फॉर द ईयर 31st of August 2018 वॉज 15,000 एंड रेंट पेड ऑन 1st of September 2018 फॉर द ईयर 31st of August 2019 वॉज 18,000। What figure for rent expense should be shown in the statement of profit or loss for the year ended 31st of December 2008? Company का year end और year start क्या है? Company का year start होता है 1 जनवरी 2018 वाले दिन, और ख़त्म कब होता है? 31 दिसंबर 2018 वाले दिन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सितंबर 2017 से लेकर 31 अगस्त 2018 का रेंट का एक्सपेंस था 15,000। इस टाइम पीरियड में क्या क्या फॉल करेगा? इस टाइम पीरियड में आएगा जनवरी से लेकर 1 जनवरी, 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 अगस्त 2018, ये पिछले रेट से होगा, और 1 सितंबर, 1 सितंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने नए रेट के हिसाब से होंगे। तो हम क्या करेंगे, 15,000 रुपये का हमारा जो रेंट जो हमें पे करना था, ये 15,000 रुपये 12 महीने का ना, तो 12 से डिवाइड, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीने बनते हैं, 8 महीने का पुराने रेट के हिसाब से, और ये जो बाकी 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने, तो हमारा टोटल अमाउंट जो है वो 16,000 बनता है। क्वेश्चन 18 पर आते हैं। अ बिजनेस हैड डिपॉजिटेड रुपीज 500,000 इनटू एन एनुअल फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन 1 मई 2018। एक बिजनेसमैन ने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे जिस पर उसको जाहिर है रिटर्न मिल रहा होगा। इंटरेस्ट इज एक्रूड क्वार्टरली ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर ईच ईयर। इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन मेच्योरिटी। मंथली इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 3,000। इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन मेच्योरिटी का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ मेच्योर हो जाएगी, यानी कि उसका आखिरी दिन आ जाएगा, यानी कि उसका वक्त पूरा हो जाएगा जो डिसाइड किया गया है, तब इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए रखते हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है सर, लेकिन लिखा है ना मंथली इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹3,000। हाँ, बनता है 1 महीने का 3,000 है, लेकिन मिलेगा नहीं। कब मिलेगा सर? जब टर्म पूरी हो जाएगी। टर्म पूरी होने का क्या मतलब है सर? उस डॉक्यूमेंट में, उस कागजात में लिखा हुआ होता है कि भाई आप इंटरेस्ट लेने के लिए 1 साल बाद आना, 2 साल बाद आना, 5 साल बाद आना, और पूरे पिछले टाइम पीरियड का सारा इंटरेस्ट ले जाना। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 वाले दिन जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना होगा? अब देखिए, आपने फिक्स डिपॉजिट में 1 मई को जमा किया था, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 8 महीने का आपका 3,000 रुपये के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनता है ना, वो आपकी बैलेंस शीट में एज अ रिसीवेबल आ रहा होगा। 1 महीने का 3,000 है, और
पहली मई से लेकर 31 दिसंबर तक के 8 महीने मिलते हैं, तो 8 महीने का 24,000 रुपये मिलता है। ये सारा आपको रिसीव होगा या आपका रिसीवेबल है, मेच्योरिटी पे रिसीव होगा, यानी कि जो उसकी टर्म्स लिखी हुई होगी ना कि इतने टाइम पीरियड बाद आना अपने 5 लाख रुपये और इंटरेस्ट देने के लिए, उस दिन मिलेगा। तो आपका 31 दिसंबर वाले दिन ये अमाउंट रिसीवेबल होगा। तो सर फिर ये डेट्स क्या लिखी है, इंटरेस्ट इज एक्रूड क्वार्टरली। एक्रूड क्वार्टरली का मतलब ये है कि हर 3-3 महीने पे आपका हिसाब किताब होता है, यानी कि मई में आपने पैसे रखे, मई जून जुलाई सॉरी मई और जून, 30 जून आता है ना, उसके बाद जून में बैंक आपको बोल देते भाई आपका इतना इंटरेस्ट बना, बस फोन रख देता, पैसे नहीं देता। फिर सितंबर में हिसाब किताब करता है, फोन रख देता है, पैसे नहीं देता। दिसंबर में भी बता देता भाई पिछले 3 महीने का इंटरेस्ट बना, फोन रख देता है, आपको बुलाता नहीं है, बोलता नहीं है चेक लेकर जाओ, बस बता देता। ठीक है, तो 24,000 रुपये आपका रिसीवेबल बन रहा होगा 31 दिसंबर वाले 19। अब बिजनेस हैज पेड एन एनुअल सैलरी ऑफ 36,000 इन एडवांस टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ऑन 31st ऑफ अगस्त 2017। एक बिजनेस ने 36,000 रुपये अपने एक वर्कर को 31 अगस्त 2017 वाले दिन एडवांस में दे दिए हैं। एडवांस में दे दिए हैं यानी कि कंपनी ने एंट्री पास करी होगी एडवांस सैलरी, ठीक है ना, या एडवांस टू एम्प्लॉई सैलरी है ना, एडवांस सैलरी डेबिट, ठीक है, एडवांस सैलरी डेबिट 36,000 रुपये और बैंक अकाउंट क्रेडिट 36,000 रुपये। ये जब कंपनी ने लोन दिया होगा ना तब एंट्री पास करी होगी, यानी कि 31 दिसंबर वाले दिन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्री पेड सैलरीज एट द एंड ऑफ ईयर ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2017। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस हैज पेड एन एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी का मतलब ये हो गया कि एक बिजनेस ने अगले पूरे साल की सैलरी एडवांस में दी है, विच मीन्स के 36,000 रुपये एक साल के बनते हैं और 31 अगस्त को दे दिया। अब आपको ये बताना है कि प्री पेमेंट कितनी होगी 31 दिसंबर वाले दिन। तो देखें अगर 36,000 रुपये पूरे साल की है तो साल में होते 12 महीने, 1 महीने की 3,000 बनी। 31 दिसंबर वाले दिन क्या होगा, एक एंट्री पास होगी, लेकिन 31 अगस्त के बाद कितने महीने गुजरे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई रिपीट सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने गुजर गए। हाँ, तो आप सैलरी एक्सपेंस डेबिट करोगे 31 दिसंबर वाले दिन। 31 दिसंबर वाले दिन सैलरी एक्सपेंस या आप कह लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दोगे 4 × 3,000। आपने उसको 36,000 रुपये 31 अगस्त को दिए थे, लेकिन 31 दिसंबर वाले दिन की बात करो ना तो उसने उसमें से 4 महीने की सर्विस आपको दे दी है, तो अब बची कितनी सर्विस 8 महीने की। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 से डेबिट करोगे 4 × 3,000, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके 4, और एडवांस सैलरी जो है ना उसको आप क्रेडिट कर दोगे 12,000 से। तो आपका एडवांस सैलरी का जो अकाउंट होगा उसमें 36,000 का डेबिट था और 12,000 का क्रेडिट है, यानी कि अब नेट जो है ना वो 24,000 पर यह अमाउंट आ जाता है। तो ये आपके पास जो है ना वो प्रीपेड सैलरीज में आ रहा होगा 31 दिसंबर को, यानी कि 24,000 मैंने जो दिए हैं वो आने वाले अगले साल के लिए दिए हैं। क्वेश्चन 20, अ बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2008 इन अ बिल्डिंग व्हिच इज ऑन अ 25 ईयर्स लीज। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस। हर क्वार्टर में एडवांस में पे होता है। क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने का पे होता है, एडवांस में यानी कि पहले पे होता है फिर सर्विस लेते हैं। पेमेंट ऑफ रेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। 1 जनवरी को पेमेंट करी। अच्छा 1 जनवरी को जो पेमेंट करी होगी वो जनवरी फरवरी मार्च की होगी। 1 मार्च 2029 को पेमेंट करी। प्रैक्टिकली जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता कि हर एग्जैक्ट 3 महीने बाद पेमेंट हो रही हो, एक दो दिन ऊपर नीचे होता है, तो इसने प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करी है सवाल को। मार्च में जो पेमेंट करी होगी वो होगी अप्रैल मई जून की। फिर 28 जून को पे करी वो जुलाई अगस्त सितंबर की होगी। फिर सितंबर में जो पेमेंट नजर आ रही है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की होगी। फिर दिसंबर में जो पेमेंट करी वो अगले साल के जनवरी फरवरी और मार्च की होगी। व्हाट विल बी दी रेंट एक्सपेंस चार्ज टू अवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। बड़ा सीधा सीधा साफ साफ सवाल है, लेकिन ये जो 7,500 आपने पे किए हैं ये अगले साल के जनवरी फरवरी और मार्च के पे किए हैं, तो इसको आप इंक्लूड ना करें, ये सारे आप इंक्लूड कर दें। क्यों इंक्लूड कर दें भाई, जनवरी में जो पे किया वो कब क्या किया, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में जो पे किया वो कब क्या किया, अप्रैल मई जून, जून में जो पे किया वो कब का किया, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में जो पे किया वो कब का किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो पैसे मैंने पे किए ये 2008 के ही पे करें, तो इन सबको ऐड करते हैं 7,500 × 4, यानी कि 30,000 रुपये आंसर होगा। तो ये 10 सवाल और हमने इंशाल्लाह मजीद अगले लेक्चर्स में और चीज़ें डिस्कस करते हैं। 10 सवाल अभी मैंने और आप लोगों के साथ सॉल्व किए। आप लोग बेसिक लेक्चर्स एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के जरूर देखिएगा, फिर ये 20 के 20 सवाल लिखिएगा। थैंक यू।